मैम, मेरा नाम सुरक्षित खेवार है और हम लोग आज हमारी फिजिक्स लैब में बार्टन्स हॉरिजॉन्टल एपरेटर्स की सहायता से छड़के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करेंगे। वी विल डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस थिन रॉड। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिटरमाइन करने का फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू 360 एम जी डी एल वन माइनस एल टू अपॉन में पाई स्क्वायर आई आर रेज टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस थीटा 2। डी जो है वो पुली का डायमीटर है, आर है वो थिन रोड का रेडियस है, एम अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा 2 स्लोप है जो हम ग्राफ की मदद से फाइंड करेंगे। ये पुली है, ये रोप है, रोप को पहले क्लॉकवाइज पुली के अंदर लगाना है, फिर इसमें 200 ग्राम्स का वेट लटकाना है। ये P1 है और ये P2 है, हमको P1 से थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करना है। वैसे ही ये सेकेंड 200 ग्राम है, इसको इसके अंदर और ऐड करेंगे, फिर से P1 की वैल्यू फिरेंगे। वैसे ही तीसरा, चौथा और पांचवा ऐसे इसके अंदर ऐड करके P1 की रीडिंग ले लेंगे। वैसे ही जिस प्रकार हमने इसको भार को पांच 200 ग्राम के भार थे इसमें अपने लगाए, वैसे ही भार को कम करते हुए इसकी रीडिंग लेंगे P1 की। वैसे ही पुली के अंदर रोप को एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे और 200 ग्राम का वेट लटकाएंगे और P1 की रीडिंग लेंगे। वैसे ही 200 ग्राम और उसके अंदर ऐड करेंगे, और P1 की रीडिंग नोट करेंगे। वैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा वेट इसके अंदर लटका के P1 की रीडिंग नोट करना है। वैसे ही जैसे हमने इसके अंदर वेट लगाया था पांच वेट, वैसे ही हटाते हुए पांच वेट लगाने के बाद एक एक वेट हटाएंगे और P1 की रीडिंग नोट करेंगे, जिससे हमें थीटा 1 प्राप्त हो जाएगा। यही प्रक्रिया हमें P2 के साथ करना है और हमें थीटा 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार m अपॉन में थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू जो हमारे पास ग्राफ है उसके स्लोप से प्राप्त हो जाएगी और L1 व L2 की वैल्यू हमारे जो बार्टन सेपरेटर से उससे प्राप्त हो जाएगी। तथा जब इस सभी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में जो कि ईटा इक्वल टू 360 एम जी डी L1 माइनस L2 अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 थीटा 1 माइनस थीटा 2 है इसमें रखेंगे तो हमारे पास ईटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।